तो देखिए दो डाइस में ना सम के सवाल तो हमेशा से आते हैं, अब प्रोडक्ट क्या है तो ज़ाहिर है इसकी मैजिकल ट्रिक हमने बनानी थी क्योंकि हमने बनाई। देखो प्रोडक्ट वन वाले, फोर वाले, नाइन वाले, सिक्सटीन वाले, ट्वेंटी फाइव वाले, थर्टी सिक्स वाले, ये परफेक्ट इसका वन कैसा आएगा, वन वन सा, फोर टू टू सा, नाइन थ्री थ्री सा, सिक्सटीन फोर फोर सा, फाइव फाइव ज़ा ट्वेंटी फाइव, सिक्स सिक्स ज़ा थर्टी सिक्स, ये जो डायगोनल में ना वन वन ज़ा टू टू ज़ा थ्री थ्री ज़ा फोर फोर ज़ा फाइव फाइव ज़ा और सिक्स सिक्स ज़ा, ये सब आएंगे। तो देखो मैंने एक पूरा चार्ट बना लिया, चार्ट को हम बना के रखें। प्रोडक्ट वन वाला सिर्फ एक ही केस है वन वन ज़ा, प्रोडक्ट टू वाले कितने हो जाएंगे, दो हो जाएंगे, टू वन ज़ा वन टू ज़ा यानी दो। इसी तरह प्रोडक्ट थ्री वाले, थ्री वन ज़ा वन थ्री ज़ा यानी कि दो। प्रोडक्ट फोर वाले कितने होंगे भाई, तीन, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर वालों में वाहिद है जो कि एक के बजाय तीन बच गए, क्योंकि देखो फोर वन ज़ा वन फोर ज़ा भी और टू टू ज़ा भी, ठीक। प्रोडक्ट फाइव वाले वन फाइव ज़ा फाइव वन ज़ा, देखो यार प्रोडक्ट छः वाले तो लाजमी आएंगे, ठीक है, वन के अलावा सब कम से कम दो बार आएंगे, और चूँकि फोर परफेक्ट स्क्वायर है तो दो और एक तीन दफ़ा आ जाएगा। प्रोडक्ट सिक्स वाले भी ज़्यादा आएंगे, क्यों, सिक्स वन ज़ा वन सिक्स ज़ा भी होता है और थ्री टू ज़ा टू थ्री ज़ा भी होता है, तो प्रोडक्ट सिक्स वाले कितने होंगे, चार होंगे। सबसे ज़्यादा जो आते हैं छः वाले, प्रोडक्ट छः वाले चार आते हैं और प्रोडक्ट बारह वाले भी चार आते हैं। अब प्रोडक्ट सात वाला तो हो ही नहीं सकता, वन सात ज़ा सात वन ज़ा। प्रोडक्ट एट वाला टू फोर ज़ा फोर टू ज़ा, दो हो सकते हैं। प्रोडक्ट नाइन वाला एक ही हो सकता है, थ्री का स्क्वायर। प्रोडक्ट टेन वाला टू फाइव ज़ा फाइव टू ज़ा। प्रोडक्ट अलेवन वाला भी कोई नहीं हो सकता। प्रोडक्ट फोर वाला बारह वाले, देखो ये आपका थ्री फोर ज़ा फोर थ्री ज़ा भी हो जाएगा, सिक्स टू ज़ा और टू सिक्स ज़ा भी हो जाएगा, तो ये दो और दो चार। तो बस एक बात ध्यान में रखो, एक प्रोडक्ट छः वाले चार हैं और एक प्रोडक्ट बारह वाले चार हैं और प्रोडक्ट चार वाले तीन हैं, बाकी सब या तो दो हैं और फोर के अलावा जितने जो परफेक्ट स्क्वायर हैं वो एक बार है। तो प्रोडक्ट पंद्रह वाले भी कितने होंगे, दो होंगे। प्रोडक्ट सोलह वाला सिर्फ एक, परफेक्ट स्क्वायर है सोलह तो एक ही होगा सिवाय फोर के। अट्ठारह वाले दो, बीस वाले भी दो, देखो सत्रह वाले नहीं हो सकते, तेरह वाले नहीं हो सकते, चौदह वाले भी नहीं हो सकते, क्यों, चौदह कहाँ से आएगा, टू सेवन था सेवन टू, भाई छः तक ही होते हैं डाइस, ठीक है, छः कोने होते हैं। उन्नीस भी नहीं आ सकता इसी तरह, ऑड नंबर वो तो प्राइम नंबर आएगा। इक्कीस थ्री सेवन था सेवन थ्री था, वो भी नहीं हो सकता। अब आ जाओ प्रोडक्ट चौबीस वाले, फोर सिक्स था सिक्स फोर था। प्रोडक्ट पच्चीस वाले क्या होंगे, जी बिल्कुल एक दफ़ा। और प्रोडक्ट तीस वाले दो दफ़ा, फाइव सिक्स था सिक्स फाइव था। और प्रोडक्ट 36 सिर्फ एक होगा बंदा। तो अब एक चीज़ है भाई, अगर मुझसे कल कला को सवाल आए, ठीक है, प्रोडक्ट 6 वाला 12 वाला मुझे अच्छी तरह याद है, सिर्फ ये दो हैं जो चार दफ़ा होंगे, 4/36। और इसी तरह प्रोडक्ट 4 वाले कितने, तीन, हाँ तीन वाला सिर्फ एक ही है, ठीक है, वो 4 है, यानी जिसकी प्रोडक्ट तीन दफ़ा आ रही है वो एक ही, यानी 4 के प्रोडक्ट तीन दफ़ा आ रही है। अब बाकी जितने ही आते हैं उनके प्रोडक्ट टू आ रही है और फोर के अलावा जितने परफेक्ट स्क्वायर हैं उनके प्रोडक्ट क्या आ रही है, वन आ रही है। तो आसान सा तरीका।